नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। ये देखिए, ये CFL इन्वर्टर है, 3 CFL इन्वर्टर। और इसमें समस्या ये है कि ये देखिए, इसमें चार्जिंग भी जो है बता रहा है, चार्जिंग भी ले रहा है, और जो है बैटरी मोड में UPS ऑन भी बता रहा है। लेकिन इसमें जो है ना ही UPS मोड में ना ही मेंस मोड में जो है आउटपुट दे रहा है। ये देखिए, UPS को ऑन किया, हम ये UPS ऑन का जो इंडिकेटर है बता रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट करके रखा है। ये देखिए, UPS ऑन है तो बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, ना ही ये AC मोड में जो है कनेक्ट करने के बाद जो है बल्ब मेरा जो है ग्लो कर रहा है। तो एक तरफ से देखिए मेंस ऑन का इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, लेकिन आउटपुट में जो है बल्ब मेरा ग्लो नहीं कर रहा है। और इसमें अगर आप बैटरी में वोल्टेज को चेक करेंगे तो वोल्टेज भी जो है बता रहा है यहाँ पे कि चार्जिंग ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे बैटरी में देखिए 13.60, 61, 62 जो भी है चार्जिंग जो है बता रहा है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ इसमें समस्या ये है कि इसमें जो है आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ये देखिए, ये बैटरी का प्लस माइनस है, और यहाँ से डायोड के थ्रू ये पॉजिटिव सिग्नल जो है अपना PCB में जो है ICB में जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे दो तीन डायोड लगा होता है नेगेटिव पॉइंट में। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आउटपुट वोल्टेज जो है बैटरी का जो वोल्टेज है जो भी है यहाँ पे जो अपना आउटपुट का पिन है यहाँ पे जो है वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है, स्विचिंग नहीं कर रहा है IC जो है। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज जो है रेगुलेट नहीं हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है ये देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में लगाता हूँ मैं, और जो डायोड पॉजिटिव पॉइंट में जो डायोड लगा होता है उसमें भी देखिए आउटपुट जो है बता रहा है। और ये देखिए 4.23 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट बता रहा है। तो IC जो है इसका सप्लाई जो है स्विचिंग नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दे रहा है देखिए। तो इसमें ये देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ये देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर IC लगा होता है, तो इसमें वोल्टेज जो है चेक करते हैं। देखिए इसमें जो है वोल्टेज अपना आउटपुट नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे वही 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के बीच में आना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें आउटपुट पिन में जो है वोल्टेज जो है अपना नहीं बता रहा है, जो कि अपना आउटपुट जो भी सप्लाई का पिन होता है उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अगर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट होगा तो आपका जो है इन्वर्टर जो है चार्ज नहीं लेगा, और जो है मेंस ऑन का इंडिकेटर भी नहीं बताएगा। तो ये कोई ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए ये IC को मैं चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई जो है सिग्नल नहीं बता रहा है एक तरफ में। तो ये IC को चेंज कर देंगे, चेंज करके देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो ये देखिए, IC का नंबर है CHN2448। तो ये सब इन्वर्टर में जो है इसका नंबर अलग अलग होता है अपने वोल्टेज के हिसाब से। तो ये दूसरा PCB से मैं एक IC निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, एक दूसरा PCB बड़ा था, उसमें जो IC लगा होता है वो नंबर सेम है मेरा, तो उसको निकाल दिया हूँ मैं। इसमें लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं।
अगर आउटपुट देने लगा तो जो है इन्वर्टर जो है अपना बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, आउटपुट देने लगेगा। तो ये इसको सॉल्डिंग कर दिया हूँ मैं। दोस्तों चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये पॉजिटिव का जो लाइन है मैं खोल करके रखा हूँ यहाँ पे। इस तरह से आप भी जो है बैटरी का लाइन जो है खोल करके काम कीजिएगा, और सप्लाई वगैरह जो है जो भी इसमें इनपुट आप दे रहे हो उसको निकाल करके ये काम कीजिएगा। तो ये स्विच को मैं जो है कनेक्ट कर दिया हूँ, अभी देख लेते हैं ऑन करके एक बार। तो ये यूपीएस का इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगा है। तो ये बल्ब देखिए बल्ब भी ग्लो करने लगा है अपना। तो देखिए दोस्तों बल्ब जो है ग्लो करने लगा है, यूपीएस का इंडिकेटर भी जो है ऑन हो चुका है, आउटपुट देने लगा है। तो इसमें जो है सप्लाई देके चेक कर लेते हैं, और सप्लाई देने से पहले एक बार इसमें जो वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग चेंज किए थे इसमें सप्लाई को चेक करके बता रहा हूँ। देखिए चार 481 ये 482, तो वोल्टेज जो है सॉरी मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ था। तो देखिए 3.3 देखिए आउटपुट दे जो है देने लगा है। तो देखिए इन्वर्टर जो है इसमें सप्लाई दे करके चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मेंस मोड में भी अगर अपना बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा तो इन्वर्टर जो है सही हो गया है। तो ये स्विच का कनेक्शन है वायर। ये मेन्स ऑन का इंडिकेटर जो है ग्लो करने लगा है, और ये देखिए बल्ब जो है ग्लो करने लगा है। तो मेंस को ऑफ करके देख लेते हैं चेंज ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चेंज ओवर भी हो रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है अपना।